दांतों का पहाड़ टूटा हुआ है। उगने में एक मौत हुई, ये तो बड़ी गंदी बच्ची हो रही है। किसी को नहीं बोलना, मैं नहीं बोला, बहुत गंदा बच्चा हो रहा है, शुद्ध नहीं है। मम्मा फिर रोती है, बीमार है, अब बोल नहीं सकता ना, ठीक तो हो ही रहा है वो, छोटा है गुड्डू। मैं इसलिए यहाँ रुक जा रही हूँ। एक बच्चे की तकलीफ ना माँ ही समझ सकती है, बस मैं बोल नहीं सकती, शब्द नहीं मेरे पास, बच्चे को जाके बस संभालना है। ब्लड आने लग गया उसके कैनुला में, किसी ना किसी की नजर तो लगी है हमारे ऊपर। इस लड़के को मुझे सुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसे देखा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। उसके ना पूरे पैर में सूजन आ गई, और नर्स बोल रही है कि दूसरी साइड प्रिक करना पड़ेगा, और यही सोच सोच के ना मैं, क्योंकि मुझे पता है ना प्रिक करने में इतना दर्द। के घर में जैसे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, आप लोगों को पता है वो लोग इंस्टा स्नैपचैट वगैरह पे जो है छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं। उनके घर में जो है तूबा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा रो रही है। उसके बाद जो है जैद की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि तूबा, जैद, अरमान, मलिक सब के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों की मुसीबतें जल्द हल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें।